नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। कुल 81% स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हुए हैं। बता दें कि छात्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम जांच कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को उन दावों और अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि वह राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। उन्होंने मीडिया से इस संबंध में जिम्मेदारी से काम लेने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति पर उनकी राजनीति से सवाल लेने के दौरान ये बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और मीडिया को इस मामले में अपनी रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब एक बार फिर चौंका दिया जब उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ एक मंच शेयर किया। रामनवमी के मौके पर पटना के डाक बंगला चौराहा पर बने मंच पर सियासी हलचल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ नजर आए। खेल के मैदान में आकार के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में बनने जा रहा है। यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा होगा। इसे 100 एकड़ में तैयार किया जाएगा। हालांकि बैठने की क्षमता के लिहाज से यह स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 लोगों के बैठने की जगह होगी। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक से बिजली की बढ़ी दरों पर दी जाने वाली सब्सिडी राशि को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद विधानसभा में ऊर्जा मंत्री की ओर से घोषणा की गई। सरकार के इस ऐलान से आम लोगों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी क्योंकि बढ़ी दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी। जर्मनी को शुक्रिया कहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रार बढ़ गया है। अब दिग्विजय पर कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा है कि हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई हमारी अपनी है। बता दें कि राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से टिप्पणी की गई थी। इस खबर को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय को शुक्रिया कहा था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को गुरुवार को मदुरे कोर्ट में पेश किया था। बता दें कि कोर्ट ने मनीष को 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पूर्व लोक सेवकों ने न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा हाल में ही दिए गए बयानों की आलोचना की। आलोचना करने वालों में 90 पूर्व नौकरशाह शामिल है। 90 पूर्व नौकरशाहों की ओर से हस्ताक्षरित खुले पत्र में तर्क दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद उपचुनाव के अंतर्गत सारण स्नातक व शिक्षक उपचुनाव को लेकर सारण जिले में शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। सारण जिले के सभी 20 मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए सुबह से ही मतदाता कतार में लग गए। चुनाव के लिए छपरा के अलावा सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी एवं बेतिया में भी वोट डाले जा रहे हैं। इंटरनेशनल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बॉलीवुड के नेपोटिज्म के खेल का खुलासा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें अलग थलग कर दिया था। इस पर कई एक्टर्स और सेलेब्स ने प्रियंका के समर्थन में अपनी बात रखी थी। वही अब एक्टर शेखर सुमन ने भी इसको लेकर रिएक्ट किया। दरअसल हाल ही में शेखर सुमन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों ने उन्हें और उनके बेटे के खिलाफ गैंगअप किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेश व्यापार नीति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की। ये पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस पॉलिसी का मकसद है देश में धंधा पानी अच्छे से चले और बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े और महंगाई कम हो। इसलिए फॉरेन ट्रेड यानी विदेश व्यापार को बढ़ावा बहुत जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत GDP ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल $707 बिलियन से ज्यादा का निर्यात हो सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत की संस्कृति का प्रभाव देश की वर्तमान भौतिक सीमाओं से बहुत बड़ा है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि भारत का प्रभाव क्षेत्र आज की तुलना में बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सांस्कृतिक एकीकरण शुरू किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गुजरात के पोरबंदर जिले में माधवपुर मेले के उद्घाटन में समारोह में बोल रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रतीकों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास सिर्फ एक ही परिवार तक सीमित था। नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को अमर करने का काम किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत, भारतीयों और भारत के ज्ञान को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का काम किया है। सरकार ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति 2023 पेश की जिसका उद्देश्य प्रोत्साहन के बजट छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाने के जरिए देश के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब
डॉलर तक पहुंचाना है। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी ने एफटीपी 2023 के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि परंपरागत रूप से पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की जाती रही है, लेकिन इस हालिया नीति की कोई समाप्ति तिथि नहीं है और इसे जरूरत के मुताबिक अद्यतन किया जाता रहेगा। एयर इंडिया ने महिला कर्मचारियों के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया, जिसके तहत उन्हें 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और देखभाल के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बच्चा एक साल का होने तक एयरलाइन महिला पायलटों को तेजी से आने जाने का सफर पूरा करने वाली उड़ानों का विकल्प देगी। एक आंतरिक संचार के अनुसार ये विकल्प अनुरोध और उपलब्धता के आधार पर दिए जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल के नेता और लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह द्वारा यह कहा गया है कि अमृतपाल सिंह का जीवन खतरे में, ऐसे में उसे पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए और रावी नदी को पार करके पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब शिरोमणि अकाली दल के नेता और सांसद सिमरनजीत सिंह की ओर से अमृतपाल सिंह को लेकर इस तरह की बातें सामने आई हैं। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। सरकार प्रदूषण के असर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को भी लाया गया। आपकी भी अगर पुरानी पेट्रोल कार को 15 साल पूरे हो गए हैं या फिर डीजल कार को 10 साल पूरे हो गए हैं और अब आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बता दें कि सरकार की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आपके बहुत काम आ सकती है। दुनिया भर में एआई के खतरे को लेकर चर्चा जारी है। इसे लेकर बड़े बड़े दिग्गजों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस फेरी सीट में एलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर ने मांग की कि एआई के डेवलपमेंट पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मानवता का दुश्मन साबित हो सकता है। इनका मानना है कि एआई का आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की तकनीक के तौर पर देखा जा रहा था, मगर अब इसके विकास को देखकर हर कोई हैरान है। रेल मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए मार्च महीने में 1,00,000 करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी दी है। स्वदेशी कंपनियों से 30,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की डील की गई है। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया है। इसके तहत सेना के अंगों के लिए हथियारों, समुद्री तोपों, मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद होनी है। तमिलनाडु में दही को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्य के दुग्ध उत्पादन संघ आवीन का कहना है कि वह अपने पैकेट पर अब दही शब्द को नहीं लिखेगा, इसकी जगह पर तमिल शब्द ताइर का उपयोग किया जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने पैकेट पर कर्ड शब्द को हटाकर दही लिखने का निर्देश दिया। इसी बीच CMM के स्टालिन के साथ अन्य लोगों ने भी इसका विरोध किया और दक्षिण भारत के लोगों पर हिंदी को थोपने का आरोप लगाया। इस बीच सरकार के दखल से राज्य में दुग्ध निकास मंत्री एसएन नसर ने FSSAI को पत्र लिखा है। अडानी औद्योगिक समूह को ऑस्ट्रेलिया में अच्छे कॉरपोरेट नागरिक बताते हुए ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल ने कहा है कि कंपनी को उनके देश में निवेश जारी रखने के लिए स्वागत है। फेरेल ने भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बात करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में कंपनी को हो रही मौजूदा दिक्कतों का ऑस्ट्रेलिया में उसके निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के तीसरे सप्ताह में अमेरिका का दौरा करेंगे और अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली आधिकारिक अमेरिका यात्रा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भास्कर को बताया कि प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा का न्योता राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया था। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन के लिए भी जून महीना चुना गया है, जब सीनेट और जनप्रतिनिधि सभा दोनों का अधिवेशन चल रहा होगा। वही भारतीय पक्ष 21 जून को यात्रा में शामिल करने का इच्छुक था, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है और ATM का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक आपको इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब सावधान हो जाइए। खाते में पैसे न होने पर आपको ATM का बार बार इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दूसरा सरकारी बैंक PNB ग्राहकों के लिए नया नियम बनाने जा रहा है, जिसमें आपके खाते में पर्याप्त पैसे न होने से ATM ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है तो आपके नगद निकासी लेनदेन पर 10+ GST का चार्ज लेगा। आज 31 मार्च है, यानी महीने और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आखिरी दिन। ऐसे में कल कहीं अहम बदलाव होने जा रहा है जिनका असर सीधा आप पर पड़ने वाला है। आज 31 मार्च को कई स्कीम भी बंद हो रही है। ऐसे ही एक स्कीम है जो बंद हो रही है, वो है LIC की प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। बता दें कि ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें ज्यादातर लोगों ने निवेश किया है। देश की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिखा है। धन्यवाद मोदी जी लिखे पोस्ट कार्ड में 3 तलाक का जिक्र किया गया है, जिनसे उन्हें लाभ मिला है। उनका मानना है कि PM मोदी ने 3 तलाक पर जो कानून बनाया उससे मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई और उनकी जिंदगी सुरक्षित हो गई है। इसमें कोरोना काल में मुफ्त राशन, इलाज और दवाइयों का भी जिक्र किया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका देश के राजनयिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को गंभीरता से लेता है। गौरतलब है कि खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने इस महीने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया था तथा उसमें तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद देश में राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई थी।
भोपाल में हो रही 3 सेनाओं के कमांडर कॉन्फ्रेंस में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। दिल्ली छोड़कर भोपाल में पहली बार 3 सेनाओं के कंबाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। इसमें भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के अलावे भारत के थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश में कोरोना संक्रमण दोगुने रफ्तार से बढ़ा है। बीते एक सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमित मिलने वाले रोगियों की संख्या अब दोगुनी तक पहुंच गई है। देश में शुक्रवार के दिन कोरोना के 3095 संक्रमितों की पहचान की गई है। लगातार दूसरा दिन है जब एक दिन में सामने आए नए मामलों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंचा है। T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग फिर से शुरू होने वाला है। बीते सालों के दौरान यह कमाई से लेकर दर्शकों की संख्या तक के मामले में दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स लीग में एक बन चुका है। इस टूर्नामेंट के दौरान विज्ञापनों के बाजार में सरगर्मियों में बढ़ जाती है और यह साल भी कोई अपवाद नहीं होने वाला है। खबरों के अनुसार इस साल IPL के दौरान सिर्फ टीवी और डिजिटल विज्ञापनों से 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई हो सकती है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसकी ओर से गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को PM नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर PG डिग्री के बारे में जानकारी दिए जाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही CM केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है महेंद्र कुमार एहरान सूफी, अभिषेक राज, जितेंद्र ठाकुर, अंशु प्रिया, अमृत साकिर हुसैन, नौसाद अंसारी, संजय चौधरी, अर्जुन राम, बाबूलाल मरांडी और राजीव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, IPL के मैच में आप किस टीम को अधिक पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।